आपको भी कुबेर का खजाना मिल जाए, उसके मालिक आप बन जाए, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा रोज यज्ञ घर पे करो, अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र ना बने तो अन्नहोत्र कर लो, अन्न दान करो, गरीब को भूखे को खिलाओ। ये भी कम पड़े तो वस्त्र दान करो, ये भी कम पड़े तो जल दान करो, और कभी कभी रक्त दान करो, कभी कभी विचार दान करो, और कभी कभी श्रवण करो, स्वीकार करो। सुख देते रहो दूसरों को तो सुख की फसल पैदा होने लग जाएगी। जो भी खेत में बखेरते हैं वही उगने लग जाता है, और जो बिना बखेरे उगता है उसे किसान खेत में रखता नहीं है। बैल चला के, खुरपी चला के, दरांत चला के, हल चला के निकाल देता है घास को, भूस को, खर पतवार को। जो बोता है वही पसंद करता है। इसीलिए तुम जो बो रहे हो वो तुम्हें अगर पसंद है तो सोच समझ के बो, क्या बो रहे हो। जो तमाकू बो रहा है मुंह में, जो शराब बो रहा है मुंह में, और जो मुर्गे का मूत्र यानी अंडा बो रहा है मुंह में, उसको कहां से अच्छी फसल आएगी बताओ? हाँ, पूरी दुनिया कथा सुनती है, करोड़ों लोग कथा सुनते हैं, 180 देश सुन रहे कथा को इस समय। लंबी दुनिया में कथा जा रही है, भारत में जितने लोग नर नारी हैं सनातनी हिंदू सभ्यता के, बहुत संख्या में सुनते हैं। बाहर देशों में जो लोग इंडिया के रहते हैं वो सब कथा सुनते हैं महाराज। उन सबको ही तो मैं कहता हूँ, अंडा मत खाओ, मांस मत खाओ, तमाकू मत खाओ, मदरा मत पियो, है ये फसल कभी भी अच्छी होती नहीं है, इससे हमेशा नुकसान होता है। मैंने अपने जीवन में कितने अपने शिष्य भक्तों को मरते गिरते अनायास देखा, बिना मौत के मौत में चले गए, बिना मौत के मर गए। क्यों? दारू पी गई, तमाकू खा गया, किसी का अच्छा नहीं किया है। है दारू बेचने वाले पैसे वाले तो हो जाते हैं, पर आगे चल के उनका भी अच्छा कुछ होता नहीं है। दारू से पैसा बहुत आता है, जितने भी दारू बेचने वाले बहुत पैसे वाले सब, पर भविष्य अच्छा नहीं है उनका। जैसे ही 55 साल के पार जाएंगे, फिर बिस्तर पर बैठे बैठे ही चाय आएगी, उठा जाएगा नहीं, और चाय पीना चाहेंगे पर पी जाएगी नहीं, फिर नली से डालना पड़ेगा, पेट में जाएगा, फिर अदरक का और हल्दी का स्वाद जीभ को मिलने वाला नहीं है। जिसके लिए कमाया वो स्वाद नहीं तो क्या फायदा कमाई का। इसीलिए गलत तरीके से कुछ आता है धन वगैरह तो उसे शुद्ध कर लो। शुद्ध कैसे शुद्ध होगा? अरे कहीं बड़ी सी यज्ञशाला बनवा के अच्छे विद्वानों को तनख्वाह देकर रोज यज्ञ करवाओ अपने गांव में। गांव का भला करो, शहर का भला करो, जितना प्रदूषण फैला रहे उतना शोषण कर रहे उतना पोषण करो, तो तुम्हारा धन भी तुम्हारे काम आ सकता है। अगर शुद्ध नहीं किया तो वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा श्राप बन जाएगा, वही नरक बन जाएगा तुम्हारे लिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं किसान की कमाई बड़ी मेहनत की होती है, पर उसमें से भी 10% उसे दान करना चाहिए। व्यापारी की कमाई झूठ सच की होती है, उसे 30% दान करना चाहिए। बोलिए अब कौन सो व्यापारी 30% दान कर रहा? जरा बाबा को हाथ लेके आई या साइन करवा के है? व्यापारी का ही पेट ना भर रहा। कई के तो बहुत बड़े भी हो गए, पेंट में भी ना समारे, फिर भी झूठ सच में ही लगे मारा। 30% अच्छा कानून बनाया सरकार ने, जो 30% लेके ही आगे बढ़ने देती है व्यापारी को। अगर पहले से ही धर्म में रुचि होवे तो स्वास्थ्य अच्छा रहे, व्यापार अच्छा रहे, और राष्ट्र में बहुत सारे लोग गरीब हैं वो भी फिट हो जाएं, आनंद हो जाएं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर के सामने चाहे जितना भी बढ़िया प्लेन रोड हो, पर अगर हमें सफ़र ही करना है तो दूसरे घर के सामने गड्ढा हुआ तो गाड़ी तो तुम्हारी है, तकलीफ तुमको भी होने ही वाली है। इसीलिए अपने घर के सामने प्लान कर लिया तो दूसरे के घर के सामने प्लान कर लेंगे, तो हमारा आना जाना रोज का है, तो सटासट आएंगे और फटाफट जाएंगे। ऐसा धनवानों को सोचना चाहिए, मेरे जैसे गरीब को नहीं।
मैं तो रोज मांगू रोज खाऊं, पर इतना मांग के खा के भी मैं कितनों के रोड बना रहा, कितने घरों के रास्ते बना रहा, कितने जीवन को प्लान कर रहा। कहीं से उठाओ कहीं डालो, खेत प्लान हो जाता है तो ज़्यादा डोर नहीं बनानी पड़ती पानी भरने के लिए। जिस खेत में ऊंचा नीचा ज़्यादा होता है तो डोर पे डोर, डोर पे डोर, डोर पे डोर, पाँच पाँच फुट पे, तीन तीन फुट पे डोर, आधा खेत तो डोर में घिर जाता है, आधी फसल बनती है। और खेत प्लान हो जाए तो एक जगह पानी काट दो और घर पर जाके सो जाओ, सुबह तक खेत अपने आप भरा हुआ। प्लान कर लो, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं खड्डे। ऐसा देश ऐसी समाज है, कोई इतना अमीर कोई इतना गरीब, इसलिए इतना ऊंचा नीचा भेद नहीं समाज में। यह है तो भाग्य का खेल, सब भाग्य से अमीर और गरीब होते हैं। पर भाग्य से कोई अमीर हो गया है, उसे दुर्भाग्यों का भाग्य संभालना चाहिए। अच्छा बोलो, पुराने जमाने में बाल्टी गिर जाती थी कुआं में तो काय से निकाले, कांटे से। लोहे का कांटा बना के कांटों से निकालते थे, कौड़ा बना करके 10-15 कांटे डाल के बाल्टी में फंसा दे, घुमाते यूं यूं करते और बाल्टी अपने आप फंस जाती, ऊपर आ जाती और काम बन जाता। ऐसे ही जो भाग्य से गिर गए कुआं में, गर्त में, नरक में, उन्हें जो ऊपर खड़े हैं धनवान और यशवान कीर्तिवान, वो अपने दान पुण्य सेवा का कांटा डालकर उन्हें भी ऊपर निकाल लो तो और भाग्य तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। किसी पूठी किस्मत को बनाओगे तो बनाने वाले का भाग्य और उत्तम और उत्तम और उत्तम हो जाता है, और उत्तम हो जाता है, और उत्तम हो जाता है। कभी प्यासे को पानी,